बांटो, जो आपके पास है उसे बांट दीजिए, जो आपके पास है उसे बांटिए, और आप देखें प्रकृति बट रही है, प्राणवायु के रूप में, अन्न जल के रूप में, वह औषधि पल्लव पात के रूप में, उर्वरा गंध सुगंध मकरंद के रूप में, जीवन के रूप में। तो जिस दिन भी कभी आप बहुत निकट से समाज को देखते हैं, फिर आप बटना चाहते हो, और फिर ये गुणनफल है, ये मल्टीपल होना है। मैं तो एक और बात कहना चाहूंगा, यही अमर होना भी है, इसी में नित्यता भी छुपी है, इसी में शाश्वत चिंतन छुपा है। सच तो यही है कि आपको सनातनता और अविनाशी जीवन तभी हाथ लगेगा, अन्यथा तो सब नश्वर है। तो जिस दिन भी आप में परोपकार की भावना पैदा होती है, वो पुण्य है, उसी से फिर बड़े कार्य आप करते हैं। महर्षि वेदव्यास से उनके शिष्यों ने पूछा कि आपने बड़े पुराण लिख दिए, और देखा जाए तो महर्षि वेदव्यास का बड़ा लेखन है, बड़ा चिंतन है, जितना वो लिख गए कदाचित कोई लिख पाया होगा। महर्षि वेदव्यास 18 पुराण, उनके उपपुराण, उपा उपपुराण, जो जो महर्षि वेदव्यास ने दिया है, और उन्होंने वेद विभाग का संकलन किया, शाखाओं का संकलन किया है। तो किसी ने उनसे पूछा कि इतने पुराण जो लिखे, इतना संकलन किया है, जो ये रचना धर्मिता आपकी, इतना बृहद जो आपका ये संचयन है, बौद्धिकता है आपका, पांडित्य, आपकी मनीषा, ये सब इसमें कुछ कोई सार तत्व तो क्या कहना चाहिए? तो तब महर्षि वेदव्यास ने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। मैं तो केवल दो ही बातें कहना चाहूंगा। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि कोई मुझसे अध्यात्म के बारे में पूछे, धर्म के बारे में पूछे, और ईश्वर के बारे में पूछे, और कुछ रहस्यों के बारे में जानना चाहे, और मुझसे ये जानना चाहे कि कुछ ज्ञात अज्ञात क्या है, वो अनाम अमूर्त क्या है, कुछ अव्यक्त क्या है, परासत्ता क्या है, परमार्थ क्या है, बड़ी कोई चीजें मुझसे पूछना चाहे, तो मैं तो दो बातें जानता हूं बस, अष्टादश पुराने सू व्यास से वचन द्वयम्, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। उन्होंने कहा बस दो ही बातें हैं मेरे पास, और वो मैंने बस पुण्य करना सीखा है, और कोई मुझसे पूछे पुण्य क्या है, तो परोपकार ही पुण्य है और कुछ नहीं। तो कोई मुझसे पूछे अच्छा क्या है, इस धरती पर अच्छा करने योग्य क्या है, क्या अच्छा है, श्रेष्ठ क्या है, पवित्र क्या है, उदात्त और महनीय क्या है जो महान है, तो उन्होंने कहा परोपकार, परोपकार ही कोई महान चीज है जिसमें दूसरों के हित छुपे हों। और परोपकार का अर्थ ये भी हो सकता है जिसमें दूसरे का सम्मान, स्वाभिमान और दूसरे के अधिकार जहां सुरक्षित हैं, वही तो परोपकार है। आप किसी के अधिकारों को सुरक्षा दें, किसी के मान सम्मान को, किसी की निजता को, और महाराज तो ऐसा युग आया है कि निजता पर प्रहार का युग है, ये युग जो है उसको छापने का युग है, उसे कुरेदने का युग है, उसे उजागर करने का युग है, और वो इस तरह का है कि वो व्यवसाय भी बन रहा है एक प्रकार का। तो ये कहा कि भाई परोपकार यही है कि आप दूसरों के दोष ढक लें, एक अवसर दें उसे अच्छा करने के लिए, वो उसे एक ऐसा अवसर दें, उसे थोड़ा उत्साहित कर दें, उसके आसपास अनुकूलताओं का सृजन पैदा कर दें, और हाँ उसे स्वावलंबी बना दें, स्वाभिमानी बना दें, आत्मनिर्भर बना दें, उसे जयी बना दें, उसे आखर अक्षर का बोध करा दें, अंक अक्षर का, और उसे उसके सत्य का भी बोध करा दें, उसके अस्तित्व का भी प्रबोध करा दें, परोपकार पुण्याय। तो उन्होंने कहा कि मुझसे कोई पूछे कि मैंने अध्यात्म में क्या सीखा है और इतना मैंने जो लिखा है ये क्या है, मैंने तो दो ही बातें लिखी हैं, परोपकार पुण्याय। लाभ से प्रॉफिट भी है, और सच माने जीवन लाभ के लिए मिला है, आने के लिए नहीं मिला जीवन कुछ लाभ के लिए। गणेश जी के भी दो पुत्र हैं, एक शुभ है और दूसरा लाभ है, शुभता के बिना लाभ नहीं आएगा, लाभ करते हैं प्रॉफिट। और मैं एक नई व्याख्या गढ़ना चाहूंगा, आप अपने परिवार के साथ नहीं है, अपनी परंपरा के साथ नहीं है, अपनों के साथ नहीं है, और दुनिया के बादशाह बन गए हो, भैया ये लाभ नहीं है, हानि है, इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। हमें सब कुछ मिल गया, अपनी छीन लिया, हम अपनों के साथ नहीं है और हमें सब मिल गया है, तो ये सब कुछ खोना जैसा ही है। तो उनके
परिवार, पारिवारिक निष्ठा, परंपरा में उनका विश्वास और गहरे से अपने उस अंश से जुड़े हैं जिनसे उनका अस्तित्व है। हम अपने माता पिता से किस ढंग से जुड़े हैं? तो जो अपने माता पिता का आदर करता है, जो भी परंपरा से जुड़ा है, वे अज्ञात रूप से हमारे साथ हैं। ये सच है कि देह उनकी नहीं है, वो तो किसी की नहीं रहती, पर जो कुछ हमारे पिंड में, जो हमारी देह में, जो रक्त है हमारी धमनियों में, जो पाचक रस है, अथवा जो दंत पंक्ति है, ये जो नख, रोम, त्वचा और मैं मांस रुधिर है, अथवा जो चुभ घनु वक्षस्थल भुजाएं हैं, अथवा जो केश है, आकृति वर्ण रूप है, और एक और बात, कुल गोत्र परंपरा और नाम है, ये बिना पिता के कैसे मिल सकता है? हम तो सदा ऋणी रहेंगे माता पिता के। कोई अगर हमारे पास नाम है, ये नाम भी है, ये कोई जो रूप भी है, और इसमें कोई जो कुछ हाड़ मांस है, इसमें बहरा धमनियों में जो रक्त है, वीर्य है, जिससे हमारे जीवन का प्रसार होगा, ये भैया बिना पिता के कहां से मिलेगा, बिना माता के कहां से मिलेगा? उनसे तुम कभी ऋण हो ही नहीं सकते। और मैं धन्यवादी हूँ वैदिक शिक्षाओं का, मैं धन्यवादी हूँ वैदिक ऋषियों का। उन्होंने कहा कि ये देवताओं की गणना बाद में करेंगे, आरंभिक, प्रारंभिक और महान और पहले पूज्य देवों की गणना कर लें पहले। किसी बहुत बड़े देवताओं के पास बहुत बाद में पहुंचेंगे, पर जो सबसे महान है, जिनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, आओ उनकी गणना करें। और इसलिए वैदिक गणित देखिए क्या है, देवताओं का वैदिक देखिए क्या विधि। तेज ने कहा मातृ देवो भव, यही गणना शुरू की देवताओं की। मोन देव कौन है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। उन्होंने कहा कि माँ पहली देवता है, वही गुरु है, पिता